अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर भारत के किसी खूबसूरत से शहर से हैं या फिर बिहार से। वैसे मैं खुद यहाँ नया हूँ और मुंबई से पटना आए हुए अगले 4 दिनों में मुझे पूरे 2 महीने हो जाएंगे। दुर्गा पूजा का टाइम है और पटना में आप रात को 3 बजे घर से अकेले बाहर निकलते हैं तो आप अकेले नहीं होंगे। रात को 3 बजे भी आपको आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी, जैसे फल से लेके मोमोज, खिलौनों से लेके कोल्ड ड्रिंक, चाय के साथ तंदूरी, पानी पूरी, बादाम शेक और डोसा भी, और तो और आलिया भट्ट भी मिल जाएगी। लस्सी पीने के बाद जो अनजान लोगों के साथ मिलके मैं नाचा हूँ और नारेबाजी की है मैंने, भाई साहब मुझे पता चल गया कि लस्सी से ज्यादा स्वीट तो यहाँ के लोग हैं। और शायद यही स्वीटनेस है जो यहाँ के लोगों में एक दूसरे के साथ अंबुजा सीमेंट से ज्यादा मजबूत जोड़ बनाती है। रास्ते पर भोपू बजाते बच्चों ने मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अपने शरारती छोटे भाई को मुंबई छोड़ के आया हूँ। सच कहूँ यार तो पटना में आज ये मेरा पहला था जहां मुझे मेरे फैमिली की कमी महसूस नहीं हुई। थैंक यू सो मच पटना वासियों।